किसी हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितनी तन्हाई छिपी हुई है, इसे अक्सर पहचानने में हम भूल कर देते हैं। और यही भूल सुशांत सिंह राजपूत के दोस्तों और परिवारजनों से हुई है। अगर उनका कोई अपना उनके अकेलेपन को पहचान पाता तो शायद सुशांत सिंह राजपूत जैसा काबिल एक्टर आज हमारे बीच होता। ऐसे कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत कई दिनों से डिप्रेशन में थे और यही एक कारण है उनकी आत्महत्या का। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिप्रेशन क्या होता है, किन किन कारणों की वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है और दिमाग में या ब्रेन में ऐसी क्या उथल पुथल होती है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और आत्महत्या जैसे अंतिम निर्णय लेने पर आप मजबूर हो जाते हैं। फिर सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि डिप्रेशन क्या होता है। सो डिप्रेशन ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जो तुरंत किसी भी व्यक्ति पर हावी नहीं होता है, बल्कि इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं और इन लक्षणों को अगर शुरुआती स्तर पर ही हम पहचान ले तो उस व्यक्ति को गंभीर डिप्रेशन से हम बचा सकते हैं। आमतौर पर जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं उन लोगों में कुछ कारण ऐसे भी देखे गए हैं कि किसी अपनों का खो जाना या आर्थिक रूप से कमजोरी आना। कोरोना और लॉकडाउन भी एक कारण हो सकता है डिप्रेशन का, क्योंकि इस लॉकडाउन के पीरियड में जिनकी नौकरी या व्यापार में काफ़ी हानि हुई है वो भी डिप्रेशन का कारण हो सकता है। जो लोग परिवार से अकेले रह रहे हैं, जो लोग भविष्य के बारे में काफ़ी चिंतित है, उन लोगों में डिप्रेशन बहुत कॉमन है। और WHO के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाओं में असुरक्षा की भावना से डिप्रेशन बहुत कॉमनली देखा जाता है। सो डिप्रेशन का क्रम अगर हम देखें तो उस व्यक्ति में सबसे पहले स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस का कारण कुछ भी हो सकता है, पर्सनल या फैमिली प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से उस व्यक्ति को स्ट्रेस आ सकता है। फिर अगर इस स्ट्रेस को हम कम करने का प्रयास न करें तो यही स्ट्रेस एंजाइटी में बदल जाता है और यही एंजाइटी अगर ज़्यादा दिन तक बनी रहती है और उसका हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये एक डिप्रेशन का रूप ले सकती है। फिर डिप्रेशन के दो अलग अलग रूप होते हैं। डिप्रेशन की शुरुआत हर समय नकारात्मक विचारों से घिरे रहने की वजह से होती है। न चाहते हुए भी उस व्यक्ति के दिमाग में नकारात्मक बातें आती रहती है और फिर ये नकारात्मक विचार ही उसके ब्रेन पर इस तरह हावी होने लग जाते हैं कि उस व्यक्ति का व्यवहार भी धीरे धीरे नकारात्मक होने लगता है। फिर दूसरा होता है क्रॉनिक डिप्रेशन। इस कंडीशन में पेशेंट को अकेलापन, निराशा, घबराहट इस तरह से घेर लेती है कि उसे अकेले रहने से काफ़ी डर लगता है। दूसरी तरफ वह किसी की भी सलाह पर आसानी से भरोसा नहीं रखता है। उसे लगता है कि उसे कोई समझ ही नहीं सकता है या फिर वो दुनिया में बहुत अकेला है और किसी को उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये सब चीज़ें उसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से चलते रहती है। फिर मेडिकल की भाषा में अगर हम डिप्रेशन का मुख्य कारण क्या होता है ये जानने की कोशिश अगर करते हैं तो हमारे ब्रेन में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है सेरेटोनिन हार्मोन। एक्चुअली सेरेटोनिन हार्मोन को हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं, क्योंकि अगर इसकी मात्रा हमारे ब्रेन में सही है तो हम सुखी, समाधानी महसूस करते हैं। और इसी का प्रमाण अगर हमारे ब्रेन में कम हो जाता है तो हम निगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगते हैं और इसीलिए डिप्रेशन में इसकी कमी होने की वजह से डिप्रेशन ये एक मानसिक बीमारी है और इसके लिए हमें मनोचिकित्सक या साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी चाहिए या साइकेट्रिस्ट से हमें इलाज करना चाहिए। आखिर में मैं बस इतना बताना चाहूँगी कि मानसिक रोगों और पागलपन में काफ़ी अंतर होता है। हमारे समाज में मेंटल हेल्थ के बारे में काफ़ी कम जागरूकता है और इसीलिए हम हमारे दोस्त या परिजनों को सही वक्त पे सहायता नहीं कर पाते हैं। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मानसिक बीमारियां भी शारीरिक बीमारियां इतनी ही सामान्य है और वह पूरी तरह ट्रीटेबल है और इसीलिए उसका सही वक्त पे इलाज होना बहुत ज़रूरी है। ये अगर हम समझ पाते हैं और सही जागरूकता रखते हैं तो हम अपने प्रियजनों को आत्महत्या जैसे ठोस कदम उठाने से रोक सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही में बेल बटन दबाना न भूलें ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।